साथियों, आज हम बात करेंगे भैया अलग टॉपिक पे। जी हाँ साथियों, पहले होता था कि लोग क्राइम करके विदेश भागना वगैरह वगैरह, आज भी हालांकि चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सतर्क रहते हैं, सतर्क रहते हुए अगर किसी के ऊपर हमें कंट्रोल करना है या फिर उसको दबाना है या फिर उसको रोकना है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कानून इंडिया में ऐसा बना हुआ है। जी हाँ साथियों, एक नया लेटेस्ट अभी एक माजरा निकल के आया है। एक पति अपनी पत्नी को मारपीट करके विदेश दुबई भाग रहा था। जी हाँ, लेकिन भाई पत्नी थोड़ी होशियार थी, वो तुरंत प्रभाव से एडिशनल एसपी पहुंच गई। जी हाँ, तो आपको पता है फिर पुलिस ने कार्रवाई क्या करी, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन हर रोज आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हुआ यूं कि एक पति अपनी पत्नी को मारपीट करके घर वालों ने उनको बाहर निकाल दिया और बंदा फुर हो रहा था दुबई। जी हाँ साथियों, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच भी चुका था, फोन कर लिया स्विच ऑफ, लेकिन उसकी पत्नी ने 1 साल का बच्चे को लेकर थाने पहुंच गई नियरेस्ट में। हरियाणा का पति था, देहरादून की उनकी वाइफ थी, वहां शायद अपने ससुराल में रह रही थी हस्बैंड, और उनके घर वालों ने मारपीट करके, ऐसा उनकी पत्नी ने बताया, वैसे मैं हम आपको बता रहे हैं, मारपीट करके उनको घर से निकाल दिया और देहरादून पहुंच गई। वहां जाके उसने एडिशनल एसपी ऑफिस में अपनी गुहार लगाई कि भाई इस तरह से हमें मेरे पति ने मुझे मारपीट के बाहर निकाल दिया, 1 साल की मेरी बच्ची है और अभी वो विदेश भाग रहा है। तो पुलिस ने उनकी काउंसलिंग करवाई लेडीज की कि रियलिटी में मैटर क्या है, फिर उसका उसके हस्बैंड के पासपोर्ट की कॉपी लेके उसकी पूरी डिटेल लेके उसकी लुकआउट जारी कर दिया। जी हाँ साथियों, लुकआउट नोटिस जारी करके, और उनका दिल्ली से फ्लाइट थी तो उनको पूरे एक इंडिया में एक सिस्टम होता है, पूरे एयरपोर्ट पे लुकआउट उनका फोटो पासपोर्ट वगैरह सब शेयर हो जाता है, तो वो आप वो सिस्टम में डल जाता है। जैसे ही वो चेक होता है तो उनको स्टॉप कर लेते हैं एयरपोर्ट वाले कि भाई आप इधर आ जाओ, आपके खिलाफ ये वारंट निकला हुआ है। जी, पुलिस ने फिर उनकी हस्बैंड को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था। उनकी घर वालों के, उनकी सास ससुर ननद से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम देहरादून नहीं आने वाले काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई इन दोनों का समझाइश हो जाए या माजरा क्या है, पूरा रियलिटी स्थिति हो जाए ताकि मुकदमे से बच सके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हस्बैंड का फोन बंद था तो फिर पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली, लुकआउट नोटिस जारी करके उनको वहीं पर स्टॉप करवा लिया। अभी देहरादून से पुलिस निकली है, दिल्ली एयरपोर्ट पे उसको जाके गिरफ्तार करके लेके आएगी। जी हाँ, एयरपोर्ट वाले भी ऐसे नहीं है कि आपके खिलाफ कंप्लेन है तो वो उनको वापस जाने देते हैं, वो वही रोक लेते हैं। एयरपोर्ट पे भी आपको पता है सबको जो डिपोर्ट होते हैं वगैरह, तो छोटी सेल होती है तो जेल में उधर डाल देते हैं कि भाई तू यहाँ बैठ जा। तो फिर जैसे ही वहाँ की पुलिस आती है उसको साथ लेके अभी देहरादून जाएगी, अभी उनके बीच में क्या मैटर होता है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि ये गलती ना करें कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके उनको पता हो कि बंदा उस डेट को जा रहा है तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है, आपके प्रॉब्लम हो सकती है, आपका भी लुकआउट जारी हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है, ऐसी गलती से भी ना करें, क्योंकि कानून नाम की भी कोई चीज होती है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।